इतना अहम मसला क्या है याकूब? हलील पाशा, जानते हैं कौसम सुल्तान के हुक्म पर कीरा खवातीन से भारी रकम जमा कर रहे हैं। वालदा सुल्तान खजाने को पायतख्त से हटाएंगी, अपना सोना छुपाने की उनको जगह नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने एक खास खानका बनवाया था, पर वो उन पैसों का क्या करेंगी? अफसोस मैं ये मालूम नहीं कर सका पाशा, लेकिन हलील पाशा चोरी छुपे खातून के घर पर जाया करते हैं और उस खातून का नाम अलीना है पाशा। हम चाहें तो उस खातून से मालूमात ले सकते हैं। कहाँ है ये घर याकूब? क्या बात है हाजी, क्या चीज परेशान कर रही है? मलिका, कैसे बताऊं आपको? हाजी जो भी है बताओ। मेरी मलिका, शहजादे इब्राहिम दरपेश हादसात का सुनकर बुरी तरह डर गए हैं। मलिका, जान लेने की कोशिश की। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो हाजी आगा? कैसा है वो? वो खैरियत से है मलिका, हकीम फौरन ही पहुंच गए थे, डरने की कोई बात नहीं, अब ठीक है वो। मैं देखना चाहती हूँ उसे। ठहरिए मलिका, आपका वहां जाना ममनू है, खुदा ना खास्ता कहीं आका को पता चल गया तो गजब हो जाएगा, और वैसे भी शहजादी अतीका शहजादों के पास है, आप फिक्र मत कीजिए। मलिका, मौसम सर्द है, आपको ठंड लग जाएगी। इस शहर में जब भी जाड़ा आता है मेरा दिल डूबने लगता है। इस सर्द मौसम ने ही मेरे अहमद की जान ली थी। ये पूरे का पूरा शहर हर जगह सफेदी से ढक चुकी थी और मेरा अहमद चला गया मुझे छोड़कर, और मेरा बेटा भी। इसीलिए मुझे इन जाड़ों से नफरत है। इन जाड़ों ने हमेशा मुझसे मेरे अपने छीने और मुझे आज भी इसी बात का डर है। अल्लाह ने गरी के रहमत करे। आमीन। कई दिनों पहले एक ख्वाब देखा था मैंने, कल रात वो ख्वाब दोबारा देखा हाजी। अपने बच्चों की चीखें सुनी मैंने, मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे मेरे बेटे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई कासिम था या इब्राहिम। मैं भागकर शमशीर लग गई और वहां क्या देखा, बर्फ में लिपटी एक लाश पड़ी हुई थी। और जैसे ही मैंने वो लाश देखी तो घबरा कर उसकी तरफ फौरन बढ़ी। उसका चेहरा देखने के लिए मैंने उसे अपनी तरफ किया और चेहरा देखा तो वो कौन थे मलिका? कासिम, कासिम था। वो बर्फ में लिपटी हुई लाश किसी और की नहीं, मेरे बेटे कासिम की थी। मलिका,
हम इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं कि हमारे खौफ हमारे ख्वाब बनकर हमारी नजरों में आ रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप इससे भी बचकर निकल जाएंगे, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तुमने मुझे बहुत डरा दिया इब्राहिम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। इब्राहिम, आइंदा तुम अपनी जान लेने की कोशिश हरगिज नहीं करोगे। नहीं करूंगा अधिका, और ना ही जरूरत पड़ेगी ऐसा करने की। कासिम तख्त पर बैठेगा और मुझे इस कैद से निकाल लेगा। शमशीर लग में आज हमारा आखिरी दिन होगा। क्या मतलब इब्राहिम? क्या हो गया? अतीका बहन है हमारी, साथ बड़े हुए हैं हम दोनों, और आज तक मैंने इससे कोई बात नहीं छुपाई। कासिम, वालिदा आका भाई जान को तख्त से उतार देंगी? छोड़ दो हमें वालिदा। क्या बात है अतीका? असल में तो आप बताएं क्या बात है, आप आखिर ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने कि आका भाईजान को तख्त से हटा देंगी? खामोश रहो, ये तुम क्या कह रही हो अतीका? क्या मतलब है इस बात का? इनकार मत कीजिएगा इस बात से, शमशीर लग से आ रही हूं मैं, हर चीज के बारे में जानती हूं। तो ये भी जानती होगी कि मुराद ने क्या किया है। वो अपने भाइयों की जान लेने का इरादा कर चुके हैं, और मैं अपने जीते जी मुराद को ऐसा नहीं करने दूंगी। और ये सब मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्या आप मेरे भाइयों को इस तरह से जिंदा रखेंगी? हाँ, उनको आग में धकेल कर उनकी हिफाजत करेंगी? आपके जहन में ये ख्याल आया भी कैसे, सोच भी कैसे लिया? हाँ, आपकी ये हरकत मौत का सबब बन सकती है। या मेरे अल्लाह, वालिदा आपको हमेशा रास्ता मिल जाता है खुद को सही साबित करने का। आका इब्राहिम और कासिम की जान ले लेंगे ये कहकर आप खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आप पे। ना ही तुम कुछ जानती हो, ना ही तुम्हें किसी बात की खबर है, और बिला वजह कर मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे भाई ने शेखुल इस्लाम को क्यों बुलाया था? किस चीज का फतवा लिया है उनसे? क्या आका भाई जान ने मेरे भाइयों का कत्ल करने के लिए? हाँ बिल्कुल, जब से मुझे और तुम्हारे भाइयों को छावनी में देखा तब से गुस्सा है वो, और इसी गुस्से में आकर उन्होंने कत्ल का फतवा मांगा है। नहीं, मैं आका भाई जान से बात करूंगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अतीका, तुम बात नहीं करोगी बल्कि खामोश रहोगी। अगर तुम्हें अपने भाइयों को जिंदा देखना है तो खामोश रहना होगा। और मेरे भाई आका, उनका क्या होगा, क्या करेंगे उनके साथ? मैं तुमसे वादा करती हूं कि उन्हें जरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं अतीका, इब्राहिम के लिए, कासिम के लिए, और यहां तक कि मुराद की भी सलामती इसी में होगी। चलें उठ जाएं पाशा, चलकर आराम कर लीजिए, होश में नहीं है आप, उठिए। खातून, चलिए आ जाइए। क्या किया तुमने मेरे साथ? यहाँ लेट जाइए,
पाशा, इंशाल्लाह ये नहीं जागेगा। बिल्कुल नहीं जागेंगे, नींद की दवा दी है मैंने इनको। आला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मजबूर किया था आप लोगों ने मुझे, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। अब जल्दी अपना काम करें और जाएं यहां से। पाशा, कुछ मिला क्या याकूब? मैंने सिपाही जाफर आगा को एक खत लिखा हुआ देखा। जैसा आपने सोचा था, कौसम सुल्तान ने बगावत तरतीब दी है। कल रात वो सुल्तान मुराद को तख्त से उतारेंगी। इसका मतलब है हलील पाशा इतना पैसा जुलूस के लिए जमा कर रहा था। आला, आखिर कौसम सुल्तान हमारी मुट्ठी में आ गिरी। पाशा, हमें खामोश रहना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, सुल्तान मुराद अपनी वालदा और भाइयों की जान नहीं लेंगे, बल्कि इस मुखबरी के बदले हमारी जान ले लेंगे। और अगर उल्टा हो गया याकूब, कौसम सुल्तान ने अगर अपने ही बेटे की जान ले ली तो? ये कौसम सुल्तान है, कोई नहीं कह सकता कि कब क्या करेंगी। खा लीजिए शहजादी, आपके पसंद का खाना बना हुआ है और आपने हाथ भी नहीं लगाया। मुंह खोल। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। काया, जिद करने की जरूरत नहीं, खाना खाओ। शहजादी, जब से आप आई हैं मैं कुछ पूछना चाह रही हूं। क्या हुआ है आपको, ठीक तो है? मेरा दिल घबरा रहा है मदाम, दम घुटता है मेरा यहां। अगर मुमकिन होता तो यहां से चली जाती और कभी दोबारा ना आती। खैरियत है, क्या कुछ बुरा हुआ है? होशियार, सुल्तान मुराद तशरीफ ला रहे हैं। बाबा बाबा बाबा। काया, मेरी प्यारी शहजादी, मैं आपको बहुत याद कर रही थी, आप आ क्यों नहीं रहते? आ तो गए आपके पास। आका, अच्छा किया कि आप आ गए। ये अपना खाना नहीं खा रही, अब आप ही कुछ बोलिए। काया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि खाना नहीं खाया आपने? चलो पहले खाना खाओ। अतीका, तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ मेरे आका, वो आजकल नींद नहीं आती मुझे, होने वाले वाकयात की वजह से परेशान हूं। अतीका, हर किस अपने आप को परेशान मत करो, तुम मेरी चहेती बहन हो। अपना बहुत ख्याल रखो और सेहतमंद रहो। भाई, असल में तो आप एहतियात कीजिए। आप अभी ठीक हुए हैं। इब्राहिम, कैसे हो तुम? दर्द कम हुआ तुम्हारा? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं।
तुम अभी तक बाबा की अंगूठी पहने हुए हो। उनका चेहरा कुछ कुछ याद है मुझे। हम बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन हर एक कहता है वो बहुत अच्छे बादशाह थे। उनका दिल बिल्कुल साफ था। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने हमारे चचा मुस्तफा की जान नहीं ली, क्योंकि उनका जमीर जिंदा था। जानते हो, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं, बिल्कुल उन जैसा। रहम दिल, आदिल। मुराद भाई भी तख्त पर बैठने से पहले यही कहते थे। कहते थे मैं इस हुकूमत को इंसाफ के साथ चलाऊंगा, और कुछ ही वक्त बाद वो ये बातें भूल गए, और तख्त पे बैठते ही वो जालिम हो गए। उम्मीद है कि तुम नहीं बदलोगे कासिम। मैं तुमसे वादा करता हूं इब्राहिम, मैं जुल्म का दरवाजा नहीं खोलूंगा कभी, और ना ही मुराद भाई जैसा बनूंगा। यह सर्द मौसम हमेशा नहीं रहने वाला इब्राहिम, बहुत जल्द बहार आएगी और बागीचे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। इसलिए फिक्र मत करो तुम, हमारा भी अच्छा वक्त आने वाला है और हम तमाम मुश्किलात से जान छुड़ा लेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई इंशाल्लाह। एक बात जहन नशीन कर ले आप लोग, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए मलिका, हमने छोटी से छोटी बात सोच रखी है। सोच तो रखी है, लेकिन काश के शहजादी अतीका को इसकी खबर ना होती। अगर उन्होंने कुछ बता दिया तो? अतीका नहीं बताएगी। आपको यकीन है मलिका? क्यों ना हमें रुककर इंतजार करना चाहिए। वो अपने भाइयों के कत्ल की बजाय अपने आका भाई को कफस में बंद होने को तरजीह देगी। आज की रात बहुत मुश्किल होगी मलिका, लेकिन इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। मलिका, जाफर आगा और उसके सिपाही रात के अंधेरे में हरम में दाखिल होंगे, और आका के हुजरे में उस वक्त दाखिल होंगे जब आका सो रहे होंगे, और उस अजम के सांप यूसुफ पाशा का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए मलिका, हमारे कुछ वफादार उस पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन हमें सबसे पहले आका को गिरफ्तार करना होगा। हुजरे में दाखिल होते ही सुल्तान मुराद को काबू किया जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे ही सुल्तान मुराद हिम्मत हारेंगे, उन्हें कुछ अरसे के लिए उनके चचा मुस्तफा के हुजरे में कैद कर दिया जाएगा।
और फिर जैसे ही मुझे इशारा मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि सब ठीक है और बगावत को रोकने के लिए मैं अपने आदमियों के साथ रवाना हो जाऊंगा। मलिका, आका को गिरफ्तार करके सुल्तान मुस्तफा के कमरे में बंद कर दिया गया है। मैं आपको यही बताने आया था। आला, शहजादे कासिम और इब्राहिम को शमशीर लग से निकालने का वक्त आ गया है। इस पहर कहीं तुम्हें भी तो बंद नहीं कर दिया। वालिदा, कौसम सुल्तान ने मेरे साथ भी वही किया जो आपके साथ किया था। यहां कैद कर दिया मुझे क्योंकि वह खुद तख्त हासिल करना चाहती हैं। अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरी है वो। आपको कैसे मालूम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा मैंने। तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम वो बादशाह हो जिसका तख्त छिन गया है? मेरे आका, आज रात कौसम सुल्तान ने आपकी गिरफ्तारी के लिए हुक्म दिया है सिपाहियों को, तो जरा मोहतात रहिएगा मेरे आका। पागल तो मैं था, लेकिन तुम मुझसे भी पागल निकले मुराद। तुम किसी को चैन से बैठने नहीं देते, कौसम सुल्तान को भी नहीं।
अच्छा है, बल्कि बहुत खूब। लेकिन अब तुम्हें कुछ सोचना होगा। मैं नहीं जानता, काश आपकी तरह मैं भी होश गंवा देता, हर चीज भूल जाता, किसी चीज की परवाह ना होती मुझे। ये सच है कि मैंने अपने होश खोए, लेकिन अपनी याददाश्त नहीं। इस छत के नीचे जो कुछ हुआ वो अच्छी तरह से याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला। याद है जिस दिन जल्लाद आए थे, और मैंने शाहबलूत आगे बढ़ाए और सोचा था कि वो शाहबलूत ले मेरी जान नहीं लेंगे, लेकिन उन बेरहमों ने शाहबलूत कबूल नहीं किए। और फिर अहमद भाई आकर उन्होंने मेरी जान बचाई, और इतना खुश हुआ मैं, इतना कि तुम्हें क्या बताऊं। आप फिर मालूम हुआ मुझे कि अहकामात भी उनके थे, क्योंकि जल्लाद तो बादशाह के ताबे होते हैं, और जैसे ही तख्त एक भाई को मिलता है वैसे ही दूसरों को मरवा दिया जाता है। और शायद तुम्हें भी यही करना चाहिए। हुसैन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम भी इस खेल का हिस्सा हो, है ना? आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? वालिदा सुल्तान का राज फाश हो चुका है, सुल्तान मुराद सब जान चुके हैं, और तदाबीर ले ली गई हैं। जो करने वाले थे वो अब ना करो, इरादा बदल लो और महल की तरफ मत जाना, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं कौसम सुल्तान को आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। माफ करना पाशा, तुम्हारी भलाई इसी में है। यहां क्या हो रहा है? आका अपनी सल्तनत को बचा रहे हैं। आपने अच्छा नहीं किया मलिका, गद्दारी करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कासिम, इब्राहिम,
कासिम, कासिम, कासिम साहेब, यहाँ से निकलो जल्दी, वरना वो तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या हुआ इब्राहिम? यहाँ से निकलो जल्दी, छुप जाओ कहीं। वहाँ साहे, जल्लाद के साए, जल्लाद के साए देखे मैंने। क्या तुम जल्लाद के साए देखने की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये खौफ अपने दिल से निकाल दो। कासिम, मैंने खुद देखा है। ठीक है इब्राहिम, ठीक है इब्राहिम, अपने आप को संभालो। मैंने तुमसे कहा था ना कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने खुद देखा है, फौरन निकलो यहाँ से। इब्राहिम मेरे भाई, ठीक है तुमने जल्लाद देखे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आखिर हम उनसे बचकर जाएंगे कहाँ? कासिम, कासिम, खुदा के लिए जल्दी निकलो यहाँ से, वरना वो तुम्हारी जान। इब्राहिम मैंने कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? आ रहे कासिम, देखो कासिम, मैं तुमसे कह रहा हूँ जल्दी निकलो यहाँ से, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। कासिम कुछ करो मेरे भाई, जल्दी कहीं छुप जाओ, अपनी जान बचाओ कासिम, अपनी जान बचाओ, कहीं छुप जाओ, दरवाजा बंद कर दो। कासिम, कासिम मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा था ना, वालिदा हमारी हिफाजत करेंगी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, और थोड़ी ही देर में वो हमारे पास आने वाली है, इत्मीनान रखो मेरे भाई। निकलो फौरन कासिम। अब ठीक है इब्राहिम, जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे परेशान मत करो। वालिदा कहाँ है? शहजादों के पास शमशीर लग गई थी। क्यों, क्या कुछ हुआ है? सुल्तान मुराद ने शहजादों के कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया था। मेरे साथ आओ इब्राहिम। जैसे कासिम की जान ले, उठ वालिदा। शाबाश। अगर हिम्मत है तो तुम्हें सबसे पहले मेरी जान लेनी पड़ेगी। आसमान से मदद भिजवा। रुक जाओ, चीज पर कादर। बिस्मिल्लाह।